तो गाइस एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वार ऑफ एस्पायरेंट्स में। और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि पूरी पूरी संभावना है इस बार भी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो यूजी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद एक बार फिर से प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन फाइनल ईयर वालों को तो एग्ज़ाम देना ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाइनल ईयर वालों के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में यानी विगत वर्षों में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं CCSU में, तो उनके पेपर क्यों ना सॉल्व करा दिए जाएं। तो उसी क्रम में मैं फाइनल ईयर का जो पेपर है, जो किसका है, पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसको लेकर के हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं ये एनुअल एग्जामिनेशन BA का और 2020 में, और किस सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत। चलिए तो अब हम सीधा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने मुद्दे की बात पे आते हैं और चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको निर्देश इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलते हैं, तो इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम बढ़ते हैं आगे। और ये रहा देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द टर्म ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबद्ध है, कम्युनिकेशन यानी संचार से, कमांड यानी आदेश से, ऑप्शन सी है कंट्रोल यानी नियंत्रण, और ऑप्शन डी है कॉन्सेप्ट अर्थात विचार। तो आपका जो आंसर, अच्छा एक बात देखिए, ये जो ग्रेप वाइन है ना, ये जो वर्ड है ग्रेप वाइन, देखिए इस ग्रेप वाइन वर्ड का मतलब होता है अफवाह, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, इस ग्रेप वाइन वर्ड का मतलब अफवाह भी होता है, इसके अलावा ग्रेप वाइन वर्ड का मतलब होता है सूचना का गोपनीय सूत्र, गोपनीय सूत्र, जब हम सूचनाएं भेजते हैं यानी संचार करते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन यानी संचार। देखिए ग्रेप वाइन के मीनिंग क्या क्या है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है सुनी सुनाई बात या सूचना का गोपनीय सूत्र। तो जब भी कोई सूचना होगी तो उसका संचार होगा, तो आंसर क्या आएगा, देखिए ग्रेप वाइन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, कम्युनिकेशन यानी संचार से। इसके अलावा ग्रेप वाइन का मतलब अंगूर की बेल भी होता है, अफवाह भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संचार। ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है, संचार से संबंधित है। आगे चलते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक पर्सनल, निम्न में से कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है, ऑप्शन ए सर्विस यानी सेवा, ऑप्शन बी ग्रुप और क्लास यानी समूह अथवा श्रेणी, ऑप्शन सी पोस्ट यानी पद, और ऑप्शन डी ग्रेड यानी पदक्रम। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के, जो आप आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जितने भी पब्लिक सेक्टर के कर्मी हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले पर्सन हैं, लोग हैं, पब्लिक सेक्टर बोले तो जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं यानी सरकारी क्षेत्र में, यदि लोक कर्मियों का वर्गीकरण किया जाए तो इनमें से कौन सी मुख्य श्रेणी नहीं है। सेवा, देखिए सर्विस तो ऑलरेडी सर्विस का एक नाम होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ये बात बिल्कुल सही है। समूह अथवा श्रेणी, आप देखिएगा जब भी आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, जितने भी, इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है लोककर्मी, बात ही समझ, यहाँ पर पब्लिक पर्सनल, तो वहाँ पर समूह भी होता है, आप देखते हैं ना, ए ग्रेड की वैकेंसी है, ये बी ग्रेड की वैकेंसी है, सी ग्रेड की, यानी समूह यानी ग्रुप भी होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी, ये सब भी होता है, ठीक है, और पदक्रम यानी रैंक भी होता है, ग्रेड भी होता है, आप देखते ना ग्रेड पे के अनुसार ही तो उनकी रैंक निर्धारित होती है। लेकिन याद रखना यहाँ पर ये पद जो है ना पोस्ट, ये गलत हो जाएगा, पोस्ट जैसी, देखिए हम तो यूज़ करते हैं कि उसकी ये पोस्ट है, लेकिन पोस्ट जैसी चीज़ पब्लिक पर्सनल में यानी लोक कर्मियों के लिए इसका कोई कैटेगरी, इसके लिए वर्गीकृत नहीं की गई है, इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि कौन सी लोक कर्मियों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है, तो क्या नहीं है, पोस्ट, ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर आपको क्या टिक करना है, पोस्ट। खैर चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई द जुडिशरी, निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, किस देश की, इंग्लैंड और इंडिया दोनों की, इंग्लैंड और भारत, अमेरिका एंड इंडिया यानी अमेरिका और भारत, या केवल इंडिया की, केवल भारत, और ओनली इंग्लैंड, केवल इंग्लैंड। देखिए भारत की जो न्यायपालिका है, इंडिया की जो जुडिशरी है, वो कई केस में संसद द्वारा पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है,
तो अब देखिए भारत इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? ओनली इंग्लैंड, केवल भारत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल भारत, ओनली इंग्लैंड आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी पॉलिसी मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? नीति आयोग, ऑप्शन बी है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ऑप्शन सी है आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी आपके सामने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो याद रखिएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जो है वो संलग्न नहीं रहता है इन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, भारत में नीति निर्माण के कार्यों में वो संलग्न नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज प्रोवाइडेड फॉर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए आपके सामने आर्टिकल 243 I यानी अनुच्छेद 243 I, आर्टिकल 243 O अनुच्छेद 243 O, आर्टिकल 243 H यानी अनुच्छेद 243 H, या आर्टिकल 243 P अनुच्छेद 243 P। तो आपका आंसर होगा सीधा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 I, 243 I। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग द बजट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? आपके सामने ऑप्शन ए है रिड्यूस एंड डिमांड यानी मांग को कम करना, ऑप्शन बी है गिव असेंट टू डिमांड मांग को स्वीकृति देना, ऑप्शन सी है इंक्रीज द डिमांड मांग में वृद्धि करना, या ऑप्शन डी आपके सामने है रिफ्यूज द डिमांड मांग को अस्वीकृत करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द डिमांड मांग में वृद्धि करना। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर होगा मांग में वृद्धि करना। वापस शायद यदि क्वेश्चन कट गया तो वापस दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग द बजट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर। बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द डिमांड यानी मांग में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस एम्फेसाइजेस ऑन, ई गवर्नेंस महत्व देता है किस चीज को? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास को, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कागज रहित प्रशासन को। आपको देखते ही आंसर पता चल गया पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को, हालांकि आगे के भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन, ना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथककरण नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर? कागज रहित प्रशासन यानी पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द राइट्स ऑफ राज्यसभा इन फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं क्या? लिमिटेड फॉर वन मंथ, एक माह के लिए सीमित है, वेरी लिमिटेड, अति सीमित है, लिमिटेड फॉर 25 डेज, 25 दिन के लिए सीमित है, या अत्यंत विस्तृत यानी वेरी डिटेल्ड। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अति सीमित है, वेरी लिमिटेड है। वित्तीय मामलों में जो राज्यसभा के अधिकार हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, द कमीशन विच डिटरमाइंस द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज कॉल्ड, केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से संबंधित आयोग कौन सा है? सेंट्रल कमीशन यानी केंद्रीय आयोग है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है, या नन ऑफ अबव यानी इनमें से कोई सा भी नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के वित्त संबंधों के निर्धारण से जो संबंधित आयोग है वो कौन सा है? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वो कौन सा आयोग है? वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इफ द लॉज इनएक्टेड बाय द लेजिस्लेचर आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय, यदि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून संविधान की भावना के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार है किसको? जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री को। तो याद रखिएगा इसका अधिकार है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को अधिकार है। यदि व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्मित कानून है उस संविधान की भावना के विरुद्ध है तो उसे अवैध घोषित करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को भारत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर, द आइडिया ऑफ ऑल फिंगर्स रिगार्डिंग द हेडक्वार्टर फील्ड रिलेशनशिप इज कंसर्न विद, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है? मैक्स वेबर का है, या लूथर गुलिक का है, डाइसी का है, या विलोबी का है? तो याद रखिएगा ये है लूथर गुलिक का। किसका है? लूथर गुलिक का। देखिए लूथर गुलिक कौन थे? लूथर गुलिक थे एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक। लूथर गुलिक जो थे वो एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे, अमेरिकन
पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। और इन्हीं का विचार है, सभी उंगलियों का जो विचार है मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में, वो इन्हीं का है। आगे चलते हैं, आगे आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12, फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट टाइम वॉज इंटरव्यू मेथड एडॉप्टेड फॉर रिक्रूटमेंट। निम्न में से भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहां प्रयुक्त की गई थी? इंडिया, पाकिस्तान, रशिया या ब्रिटेन? भारत, पाकिस्तान, रूस या ब्रिटेन? तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन में। कहां पर स्टार्ट किया गया था? ब्रिटेन में। भर्ती के लिए जो साक्षात्कार विधि प्रथम बार कहां प्रयुक्त की गई थी? इंटरव्यू मेथड, वो स्टार्ट किया गया था ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेन डिफेक्ट इन हायकी? निम्नलिखित में से पद सोपान का मुख्य दोष क्या है? इट इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम, यह एक खर्चीली व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी, इट क्रिएट्स सुपीरियर इन्फीरियर फीलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन में उच्च और अधीनस्थ की भावना पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी, इट लीड्स टू द रिजिडिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन में कठोरता पैदा करता है। या ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। तो याद रखना, ये सारे के ही सारे, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब आंसर ये नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी, ये सारे के ही सारे पदों सोपान के मुख्य दोष हैं, ठीक है, मेन डिफेक्ट इन हायरार्की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र यानी रिट भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है? देखो भैया, बात सुन लो। ऑप्शन आपके सामने पहला है क्यो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। ऑप्शन नंबर बी है इंजंक्शन यानी निषेधाज्ञा। ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। और ऑप्शन डी है मैंडेमस यानी परमादेश। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है आपको निषेध आज्ञा, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, ये निषेध आज्ञा यानी इंजंक्शन, ये भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है। भारतीय संविधान में ये विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। संविधान के आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है, लेकिन आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। संविधान 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है। तो अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो को भी वो जारी करता है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन को भी जारी करता है, मैंडमस को भी यानी परमादेश को भी, लेकिन इसमें निषेधाज्ञा ये नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा आज्ञा पत्र यानी रिट भारतीय संविधान में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है? निषेध आज्ञा यानी इंजंक्शन, ये बहुत विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर वॉज द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा? किस वर्ष लोकसभा द्वारा सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा, ये किया गया था 1964 में, 1964 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ी सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच कंट्री कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स वॉज एस्टेब्लिश्ड? किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ? अमेरिका में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में या जर्मनी में? तो याद रखना, तुलनात्मक प्रशासन समूह यानी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप स्थापित हुआ था अमेरिका में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा? कितने सदस्यों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम समिति के लिए लोकसभा और राज्यसभा से की जाती है? 12 और 5, 15 और 5, 15 और 7 या फिर 14 और 6? तो याद रखिएगा 15 और 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, रिटन और वर्बल रिपोर्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय इज नोन एज? एक कर्मचारी से प्राप्त लिखित तथा मौखिक निष्पादन प्रतिवेदन को क्या कहा जाता है? डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन यानी विभागीय संवाद, या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी बाह्य संवाद, या इंटरनल कम्युनिकेशन यानी अभ्यंतरीय संवाद, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतरवैयक्तिक संवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरवैयक्तिक संवाद यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज बीन entrusted with the responsibility of examining the appropriation account? विनियोग लेखा की जांच की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति को? ऑप्शन सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति को, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को।
अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फाइनेंस मिनिस्टर टुक द इनिशिएटिव टू इंप्लीमेंट जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने भारत में शून्य आधारित बजट को क्रियान्वित करने की पहल की? तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। इनका पूरा नाम था विश्व प्रताप सिंह। वीपी सिंह जो थे वो 7th PM थे इंडिया के, भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, 7th PM थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ये रहे थे 1989 से लेकर के 1989 से 1990 तक। और किस पार्टी से संबंधित रखते थे? ये थे जनमोर्चा पार्टी थी इनकी। और इसके अलावा इससे पहले ये पीएम रहने 7th PM रहने से पहले ये ऑलरेडी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री रह चुके थे 1984 से लेकर के 1984 से लेकर के 1987 तक ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, भारत के FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर ये ऑलरेडी रह चुके थे। और इस और ये भी ध्यान रखना, इससे पहले ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, इससे पहले ये यूपी के सीएम भी रहे थे 1980 से 1980 से लेकर के 1982 ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। वीपी सिंह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, इन विच कंट्री द गवर्नमेंट सर्विसेज यूज टू बी सोल्ड। किस देश में राजकीय सेवाओं को बेचा जाता था? तो बेचा जाता फ्रांस में, पेरिस में ज़्यादातर जो था उस टाइम पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनको बेचा जाता था। और पेरिस आप जानते हैं कहाँ पर है? फ्रांस में। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन स्कीम स्टार्टेड। कब संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय स्कीम लागू की गई? आपके सामने ऑप्शंस हैं चार, 1965, 1966, 1980, 1975, 1975 में 1975 में 1976 में या 1980 में। तो आपका आंसर यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा 1966 में किया गया था। ये स्कीम जो लागू की गई थी 1966 में, 1966 में लागू की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ जरा बढ़ना। Who said collector is the tortoise on whose back stands the elephant of the government of India? किसने कहा कि कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है? रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था, या जेम्स विल्सन ने, हेनरी फेयोल ने, या फिर W.A. Robson ने? तो ये कहा था रामसे मैकडोनाल्ड ने। ये किसने क्या कहा था? ये कहा था रामसे मैकडोनाल्ड ने कहा था। देखिए रामसे मैकडोनाल्ड जो है वो बिलोंग करते हैं यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से, यानी ब्रिटेन से। ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, और ब्रिटेन में दो पार्टी हुआ करती थी एक उस टाइम पर, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो ये लेबर पार्टी के सबसे पहले पीएम थे। मैं ब्रिटेन के पहले पीएम नहीं कह रहा, लेबर पार्टी के ये सबसे पहले पीएम थे ब्रिटेन के, यानी यूनाइटेड किंगडम के। लेबर पार्टी के सबसे पहले पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड, और इन्हें नहीं कहा था कि कलेक्टर का पद ऐसा कछुआ है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी सवार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग विच 5-year plan द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, पहली पंचवर्षीय योजना में ही स्टार्ट हो गया था। ये पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत के प्रधानमंत्री 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहली 5-year plan था वो 1951 से लेकर के 1956 तक की थी। अब पंचवर्षीय योजनाओं की यदि मैं बात करूँ तो पंचवर्षीय योजना जो है अब तक भारत में टोटल 12 5-year plan हो चुके हैं, यानी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही थी, और ये ध्यान रखना पंचवर्षीय योजनाओं की को अब रिप्लेस कर दिया गया। 5-year plans नाउ रिप्लेस बाय 3-year action plan। अब देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, यानी जो लास्ट 5-year plan था वो 2012 से लेकर के 2017 तक था। लेकिन 2017 में क्या किया गया, इन पंचवर्षीय योजनाओं को द 5-year plan रिप्लेस बाय 3-year action plan, 3 वर्ष के एक्शन प्लान से इनको रिप्लेस कर दिया गया। अब 3-3 साल के एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, अब जो है 5-year plan नहीं होता, 3-3 साल के एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो पहली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज नोन एज। प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, या ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, ऑप्शन डी मैनेजमेंट या प्रबंध। तो याद रखना प्रशासनिक अधिकारी का समूह उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। द ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? द बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स,
जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, उसी को नौकरशाही कहा जाता है। अगली तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इंग्लैंड काउंटर पार्ट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज, इंग्लैंड में भारतीय वित्त मंत्रालय का समतुल्य, जैसे भारत में वित्त मंत्रालय है, जैसे इंडिया में क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसी का समतुल्य, इसी के समान इंग्लैंड में क्या है, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है, ब्यूरो ऑफ बजट है, या ट्रेजरी यानी राजकोष है। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड जैसे भारत में वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसी तरह वहां पर है राजकोष, वहां पर इसी का समतुल्य क्या है, राजकोष। जैसे हमारे इंडिया में क्या है फाइनेंस, भारत का वित्त मंत्रालय, ऐसे ही यूके में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, ट्रेजरी यानी राजकोष। 27वां क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बजट इन द लोकसभा ऑन 1 फरवरी, किस वर्ष से वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना, ये स्टार्ट हुआ था 2017 से, 2017 से, उस समय भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली, लेट श्री अरुण जेटली जी उस समय भारत के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने 28, व्हेन वाज द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवोक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान की धारा 370 को कब निरस्त किया गया। तो आपको याद रखना, ये किया गया था 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है, हु फ्रॉम द फॉलोइंग, थोड़ा सा नीचे करते हैं, हु फ्रॉम द फॉलोइंग डेवलप्ड द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, निम्न में से किसने संचार प्रक्रिया के अधिकतम विस्तृत व्यवृत मॉडल को विकसित किया। पहला ऑप्शन है विल्सन, और दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, और चौथा ऑप्शन है शैनन एंड वीवर। तो याद रखना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, शैनन एंड वीवर, आपका आंसर क्या होने वाला है, शैनन एंड वीवर। देखिए, द शैनन एंड वीवर ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन कॉल्ड मदर ऑफ ऑल मॉडल्स, शैनन और वीवर, ये जो मॉडल है शैनन और वीवर का, इन्होंने जो मॉडल दिया था, इसी को कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल मॉडल्स। तो आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नीति आयोग इज हेडेड बाय, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है, जिसे योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, लेकिन योजना आयोग को रिप्लेस करके, खत्म करके क्या बनाया गया, नीति आयोग। अब बात आती है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या बनाया गया था, नीति आयोग। उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, हु सैड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटरमाइंड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ द कॉन्शियस पर्पस, इट इज अ सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग ऑफ द अफेयर्स एंड द कैलकुलेटेड यूज ऑफ रिसोर्स एम्ड एट मेकिंग दोज थिंग्स हैपन व्हिच वी वांट टू हैपन। किसने कहा कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है, यह उन वस्तुओं के लिए एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने है, अरे वन मिनट, ऑप्शन ए आपके सामने है व्हाइट, ऑप्शन बी है आपके सामने फिकनर, ऑप्शन सी है मार्क्स, या ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहां पर होगा कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो पूरा नाम था वो था कार्ल हेनरिक मार्क्स, इसका जो पूरा नाम था कार्ल मार्क्स का वो था कार्ल हेनरिक मार्क्स, कार्ल हेनरिक मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स जो थे एक जर्मन दार्शनिक थे, एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, एक जर्मन इतिहासकार थे और एक जर्मन राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ठीक, 5 मई 1818 में 1818 में इनका जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में, एक ज्यू फैमिली में, और बाद में इनके परिवार ने लगभग 1824 तक, लगभग 6 साल बाद 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और याद रखिएगा, इनकी जो डेथ हुई है, वैसे जर्मनी से इनका जो जन्म हुआ था वो तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन इनकी जो डेथ हुई थी वो थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में, लंदन में, ब्रिटेन में इनकी डेथ हुई। इन्होंने ही कहा था, प्रशासन चैतन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है, यह उन वस्तुओं के लिए एक संगठित प्रयत्न है तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिनको कि हम कार्यान्वित करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओ एंड एम स्टैंड्स फॉर, लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ क्या होता है। देखिए, बात को ध्यान से समझना, इसका आंसर होगा आपके सामने संगठन तथा प्रणालियां, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम का मतलब मेथड्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एम का मतलब होता है मेथड्स, यानी ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन और मेथड यानी प्रणालियां। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, विधि के नियम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन, डाइसी हैं, वर्ल्डो हैं,
या प्रिस्थस हैं या फिर वेबर हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा डाइसी। क्या हो जाएगा डाइसी? देखिए इनका पूरा नाम था एवी डाइसी, इनका जो पूरा नाम था वो था एवी डाइसी। हालांकि ये भी मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, इनका पूरा नाम था एल्बर्ट वेन डाइसी, इनका पूरा नाम था एल्बर्ट वेन डाइसी। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? एल्बर्ट वेन डाइसी। कहाँ से बिलोंग करते थे? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। एल्बर्ट वेन डाइसी जो थे ये कहाँ, अरे ये गलत, मैं फिर से लिखता हूँ भाई, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। ये कहाँ से बिलोंग क्या करते थे? ब्रिटेन से बिलोंग किया करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द सपोर्टर ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, राजनीतिक प्रशासन अद्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताइए। महात्मा गांधी, व्हाइट, विलोबी या वुड्रो विल्सन? तो आंसर होगा आपका वुड्रो विल्सन। ये वुड्रो विल्सन ही राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करते थे। वुड्रो विल्सन जो थे एक अमेरिकन पॉलिटिशियंस थे। ये कौन थे? एक अमेरिकी राजनीतिक व्यक्ति थे, एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे। और याद रखना, इसके अलावा ये 28th प्रेसिडेंट भी थे, ये 28th प्रेसिडेंट भी थे। कहाँ के? यूएसए के। ये यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 28th राष्ट्रपति थे 1913 से लेकर के 1913 से लेकर के 1921 तक। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वन इज इंक्लूडेड, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित है क्या? अरे ये थोड़ा कट गया था, मैं थोड़ा ऊपर तक गया इसको, थोड़ा नीचे लेते हैं भाई, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। द इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वन इज इंक्लूडेड, प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण में सम्मिलित है क्या? है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ओनली, केवल कार्यपालिका कार्य हैं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज समस्त प्रशासकीय गतिविधियां हैं, या मैनेजरियल फंक्शंस ओनली, केवल प्रबंधात्मक कार्य हैं, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका सामने जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त प्रशासकीय गतिविधियां, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। आगे चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है, पीपल्स इनेक्टेड जनता के द्वारा निर्मित, एग्जीक्यूटिव इनेक्टेड कार्यपालिका द्वारा निर्मित, जुडिशरी इनेक्टेड न्यायपालिका द्वारा निर्मित, या गवर्नमेंट इनेक्टेड या सरकार द्वारा निर्मित? तो आंसर होना चाहिए आपका जनता द्वारा निर्मित। देखिए वैसे एक बात ध्यान रखना, जो भारत का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको संविधान सभा ने बनाया था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, लेकिन उस संविधान सभा के जो सदस्य थे, उस संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ था, जो उनका इलेक्शन हुआ था, वो भारत की जनता ने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किया था। संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसके जो मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनका जो चयन किया गया था या उनका जो इलेक्शन हुआ था, वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारतीय जनता ने, यानी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो भारत के लोगों ने क्या किया, इंडिया के लोगों ने, भारतीय जनता ने पहले 1585 लोगों को चुना, डायरेक्ट वोट हुआ इनके लिए, और फिर इन 1585 लोगों ने जो मेंबर्स थे संविधान सभा के, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उनको चुना। बात आई समझ? इस तरह से इनडायरेक्टली भारतीय जनता द्वारा संविधान को माना जाता है निर्मित। आगे चलें, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नेक्स्ट 37, विच रिट इज डिमांडेड फॉर स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? कार्रवाई को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको कहते हैं परमादेश, मैंडमस। कार्य को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, मैंडमस कहते हैं। आगे बढ़े जी सरकार, आगे चलिए। द टेनर ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया इज, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना है? 4 साल, 6 साल, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो याद रखना 6 वर्ष होता है भारत के जो लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 साल का उनका कार्यकाल होता है। आगे चलो अगले प्रश्न की तरफ, अरे तो ज़्यादा ऊपर चला गया। यहाँ पर देखो, From the following, which article is also called right to constitutional remedy? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार कहा जाता है? आर्टिकल 32 कहाँ है? किधर है? अरे किधर है? ये रहा आर्टिकल 32। देखिए जो आर्टिकल 32 है उसी को कहा जाता है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार, उसी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं अनुच्छेद 32 के तहत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, हु सैड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार से, सरकार के क्यों, अरे मैं क्या पढ़ दिया भाई, किसने कहा प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से है? गुलिक ने कहा, या डायमॉक ने कहा, डेमॉक ने कहा, विगे ने कहा, या फिर विल्सन ने कहा? देखिए आपका आंसर होगा ये कहा था डेमॉक ने, और डेमॉक का जो पूरा नाम था वो था मार्शल एडवर्ड डेमॉक। इनका जो पूरा नाम था वो था मार्शल
एडवर्ड डिमॉक। ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। और ये जो मार्शल एडवर्ड डिमॉक थे, ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, यानी अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड के लेखक कौन है? जॉर्ज गेंट, साइमन एल्टन मेयो या फिर मैक्स वेबर? आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज गेंट, ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज गेंट। देखिए जो जॉर्ज गेंट हैं, जॉर्ज गेंट एक अमेरिकन स्कॉलर थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अमेरिका से बिलोंग करते थे। एक अमेरिकन स्कॉलर थे, एक अमेरिकन दार्शनिक कह लीजिए, एक अमेरिकन स्कॉलर हुआ करते थे जॉर्ज गेंट। और इन्होंने ही लिखा है क्या? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स गोल्स एंड मेथड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 42, द फेमस बुक अर्थशास्त्र इज रिटन बाय, किसने लिखी है? कहाँ है चाणक्य? वेयर इज चाणक्य? चाणक्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। ये तो नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 43 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं दिख रहा है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, दिख रहा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को क्या होता है? खत्म होता है। अगला प्रश्न कहाँ गया? लेके आइए, द व्यू ऑफ पोस्ट POSTCROB यानी पोस्ट कॉर्ब रिलेट्स टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण लोक प्रशासन के, वापस से पढ़ते हैं भाई, पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण लोक प्रशासन से संबंध रखता है। किस प्रकार से रखता है भैया? द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की प्रकृति से, द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की परिभाषा से, द क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की आलोचना से, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र से। अरे ये तो आंसर यही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन के क्षेत्र से। याद रखना जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंध रखता है, लोक प्रशासन से संबंध रखता है और लोक प्रशासन के द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही ये संबंध रखता है। ऊपर ही चीज, ये चीज इसने ऊपर ही दे दी और वापस से फिर वहां पर वही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान था। आगे चलिए 45, फ्रॉम द फॉलोइंग हु हैज क्रिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट करेक्ट इट्स बिहेवियर बाय लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर्स। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही की आलोचना, एक संगठन जो अपनी त्रुटियों से सीख लेकर अपने व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकता, के रूप में की है? एच साइमन, एम क्रोजियर, मैक्स वेबर और ट्रिट? आंसर होगा मैं, एम क्रोजियर। एम का मतलब था, इनका नाम था मिशेल क्रोजियर, MICHEL, इनका नाम था मिशेल क्रोजियर, लिखा हुआ है CROZIER, मिशेल क्रोजियर। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? फ्रांस के, एक फ्रांस के सोशियोलॉजिस्ट थे, फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे ये। आगे चलते हैं, हु डिस्क्राइब्ड रेड टैपिज्म एज अ कंपल्सरी डिमेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? लाल फीताशाही को किसने नौकरशाही का अनिवार्य दोष बतलाया है? वॉल्टर बेजोट ने, रामसे म्योर ने, ब्रेन ब्लैक ने और मैक्स वेबर ने? तो इसका आंसर होगा पहला, वॉल्टर बेजोट। देखिए वॉल्टर बेजोट एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट, यानी ब्रिटेन वाले बोले तो इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन के एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, एक उद्योगपति बिजनेसमैन भी थे और एक निबंधकार भी थे वॉल्टर बेजोट। इन्होंने ही लाल फीताशाही को नौकरशाही का अनिवार्य दोष, यानी ब्यूरोक्रेसी का सबसे कंपल्सरी डिमेरिट बताया इन्होंने। आगे चलें जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47, विच विद साइबरनेटिक्स एसोसिएटेड? साइबरनेटिक्स किससे संबंधित है? ब्यूरोक्रेसी से, ऑर्गेनाइजेशन से, कम्युनिकेशन से या नेतृत्व से? तो याद रखना साइबरनेटिक्स जो है वो संचार से, कम्युनिकेशन से संबंधित है। किससे? कम्युनिकेशन से संबंधित है। आगे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री प्रोमिनेंटली प्रैक्टिसेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासकीय कानून प्रयुक्त करता है? फ्रांस, पाकिस्तान, चाइना या इंडिया? तो याद रखना फ्रांस प्रयुक्त करता है प्रशासकीय कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बहुत प्रमुखता से। आगे आ जाइए इन ऑप्शंस में, 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका? निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? कौन है? एम क्रोजियर हैं या रेनहॉल्ड बेंडिक्स हैं या वुड्रो विल्सन हैं या फिर उर्विक हैं? तो देखिए आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर
वुड्रो विल्सन, इनके बारे में तो बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी, ठीक है, इनके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वुड्रो विल्सन के बारे में, अरे अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, 28 प्रेसिडेंट थे यूएसए के 1913 से 1921 तक, ये बता चुका हूँ इनके बारे में ऑलरेडी। आंसर 50वां क्वेश्चन, तो चलो अरे 50वां लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट टू में करेंगे इससे आगे क्वेश्चन। हु सैड पॉलिट, अरे ये क्या लिखा भाई, पॉलिटिक्स हाँ मुझे ई लगा भाई ये थोड़ा देखने में। हु सैड पॉलिटिक्स इज स्टेट एक्टिविटी इन थिंग्स ग्रेट एंड यूनिवर्सल वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द अदर हैंड इज द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट इन इंडिविजुअल एंड स्मॉल थिंग्स। किसने कहा राजनीति, राजनीति एक राजकीय प्रक्रिया है और उन वस्तुओं के संबंध में जो विशाल एवं सामान्य है, इसके विपरीत लोक प्रशासन व्यक्तिगत तथा छोटी वस्तुओं के संबंध में राज्य की क्रिया है। ये किसने कहा था ऐसा, ऑप्शंस हैं गुडनाउ ने क्या कहा था या ब्रंटशली ने कहा था, अरे आंसर से ये लग रहा है ब्रंटशली, लेकिन आगे देख लेते हैं विल्सन या गोलिक ने कहा था, तो आंसर ब्रंटशली ही है भाई, आंसर क्या है ब्रंटशली ही है। इनका पूरा नाम था जोहान कैस्पर ब्रंटशली, इनका जो पूरा नाम था, अरे पूरा नाम क्या देखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, इनका जो पूरा नाम था वो था जोहान कैस्पर, CASPER, कैस्पर और ब्रंटशली तो लिखा हुआ है, इसको समझ लो ऐसे आगे, ठीक है। और ये थे एक स्विस पॉलिटिशियन, यानी स्विट्जरलैंड के पॉलिटिशियन, ये कौन थे, एक स्विस पॉलिटिशियन थे, यानी स्विट्जरलैंड के एक राजनीतिज्ञ थे, स्विस पॉलिटिशियन थे। देखिए यार काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट टू में मिलता है फिर, अब हम मिलते हैं इसी का पार्ट टू लेकर के, ठीक है, इसी के पार्ट टू, अब देखते हैं अब इस पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा, फिर हम मिलते हैं इसी के पार्ट टू को लेकर, सारे के सारे जितने भी बीए के, तो खैर जितने भी फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए में वो सारे कराने वाले हैं, ठीक है, बाकी इसके अलावा बीकॉम विद बीएससी, बीकॉम बीएससी वाले भी चाहते हैं तो भाई उसके लिए भी करा देंगे, ठीक, उनके लिए थोड़ा सा हमें अलग वे में करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर तक टीके रहने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होना चाहिए, मतलब एनर्जी लेवल तो छोड़िए, बहुत ज़्यादा संयम होना चाहिए इतनी देर तक टिकने के लिए। खैर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप चाहें।